तो ऐसे चलता है ओवरबोर्ड। तो अभी मैं थोड़ा जयपुरी घूम रहा हूँ, वनीला पे ऐसे घूमो तो चक्कर भी आते हैं, देख रहे हो। मतलब घर में टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में चाहिए चाहिए। फिर ये ओवरबोर्ड बेच के फिर वो जो अक्षय कुमार वाला है ना, फिर वो लूँगा, कैमरा सेट करूँगा गाड़ी में। अरे जुगाड़ तो बढ़िया, 6:30 बस अलार्म भी बजने वाला होगा। अलार्म से पहले उठी हूँ मैं, तो अभी पी रहा हूँ ग्रीन टी, बट अभी उसके बाद बस उठाऊँ तब तक पापा चाय बना रहे हैं अभी, तब फिर उसके बाद चाय पीऊँगा। देखता हूँ पहले तो श्री गांधी का मैसेज कि जिम जाना नहीं जाना। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर आ गई चाय पीने की बारी। देखो आवाज कैसे हो रही है, रात को सोया नहीं ज़्यादा। अरे सच में आवाज कैसी आ रही है भाई, बारी बारी अभी जैसे सो गया, उठाने से ऐसा हो गया होगा। तो अभी रात को अराउंड 2:30 बज गए थे सोते हुए, तो 3:30-4 घंटे की नींद ली है, वो भी उसमें भी बीच में बहुत बार उठाऊँ मैं। तो इसलिए मैंने पापा बोला, पा रहे पापा ग्रीन टी दे दो, हेडेक हो रहा था थोड़ा सा, बड़ा बेटर है बहुत। और अभी जिम जाऊंगा तो वैसे ही हेडेक ठीक हो जाएगा। बाकी कल तो फिर चाय पी के फिलहाल तो मीत से ही जा रहा हूँ आज। वाईफाई ऑन, बैटरी खत्म, ऑन रह गया क्या, कोई नहीं चार्ज भी लगाता हूँ इसको। ये ऑन कब रह गया मुझे तो यही नहीं पता। लगाए थे चार्ज पे, फिर जाम लगा था, अब जाके जाम खुला है। गूगल में आ रहा था 13 मिनट, 6:55 में निकला था, 7 मिनट हो गए हैं और अभी तो यहीं पे ही हूँ मैं। और श्रीकांत भी आ तो आ नहीं रहे, फिर आज मैं थोड़ी बहुत ऐसी मिक्स मार लूँगा या रनिंग कर लूँगा, आज से रनिंग स्टार्ट करूँगा। बीच में रनिंग कर रहा था, बहुत सही लगता था, फिर से दोबारा रनिंग स्टार्ट कर दूँगा। थोड़ा बहुत जिम करके अभी 7:15 बजे हैं, अराउंड 8:30 तक घर भी निकल जाऊंगा, 1 घंटे में जो करना है फटाफट से कर लूँगा। अभी अब जा रहा हूँ थोड़ा रनिंग करने, बहुत दिनों की रनिंग नहीं करी, और रनिंग करूँगा तभी वेट लॉस होगा। अभी अब फिर दोबारा 1-2 वेट आ गया, 3 किलो दोबारा बढ़ गया है, यही होता है, हल्का सा कम होता है। तो आजकल वैसे ही डाइट कंट्रोल नहीं है, वेट खाना सब कुछ हो गया है। आज से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ बॉइल्ड राइस सारा खाना तभी हो पाएगा। थोड़ा सा रनिंग करके फिर जिम जाऊँगा। हो गई रनिंग, मज़ा आ गया, लगातार 2 किलोमीटर भागा, बहुत टाइम पास, वरना 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जाता, बहुत मज़ा आ गया। वापस जिम जा रहा हूँ, अभी 8:21 हुए हैं, यतीन सर का बर्थडे है, बस केक कट करके घर निकल जाऊँगा। बहुत हालत खराब हो रही है, जिस दिन लेग्स का वर्कआउट करो उस दिन रनिंग करिए आज। लेग्स वाले दिन आला ज़रूर आता है रनिंग का, और अगर जिस नेक्स्ट डे पे अगर रनिंग कर ली उससे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं है। ओए मज़ा आ गया, हालत ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया। देख लो स्पिरिट, देख लो ये चीज़ है ऐसी, तो भाई छोड़ना स्टार्ट करो, और जिम में कार्डियो करने से अच्छा बाहर करो रनिंग, उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल जिम चलते हैं, अभी जिम पहुंचने वाला हूँ मैं।
घर जाने की बारी। वर्कआउट लेस का किया, ज़्यादा नहीं, 5-6 एक्सरसाइज ही करी, दो दो सेट। उसके बाद रनिंग करी, रनिंग के बाद अभी फिर सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया नितिन सर का, फिर थोड़ी देर टेबल टेनिस भी खेल लिया। अब घर निकल रहा हूँ, 8:30 सोचा था घर पहुँच जाऊँगा, तो 9:15 तो जिम में ही होगी, वही है ना, बढ़िया कि अच्छा है, हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया। अब चलते हैं, फिलहाल बढ़िया सा नाश्ता करते हैं, वाईफाई ऑन। फोन हो गया, निकलते जिम से घर। तो अभी अब जिम से आके चाय पी रहा हूँ और साथ में डेटा ट्रांसफ़र करूँगा आज फोल्ड फ़ोन में। इस फ़ोन को खाली करना है एक दो दिन में। फोल्ड फ़ोन में व्हाट्सएप डाल लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें थी मोस्टली डाल ली। अब थोड़ी फ़ोटो वीडियोज रह गई है, अब इसका सिम और मेमोरी कार्ड निकाल रहा हूँ, बस वो डालना रह गया। बस जो थोड़ा बहुत डेटा रह गया वो सैमसंग स्मार्ट स्विच से डेटा ट्रांसफ़र कर दूँगा, सारा का सारा डेटा आ जाएगा उसमें। तो अभी सुबह से क्या होता, नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही थी, तो अभी फिर दोबारा लंच में सीधा लंच ही कर रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट तो करा नहीं, 4:15 हो रहे हैं। मैं ये लंच में आलू नान, साथ में दाल मखनी, बाकी चाय अभी बन के आ रही है, फिर चाय पीऊँगा। आज सुबह से चाय नहीं पी, तो ये भर के चाय, 3 बार की चाय, 1 बार में, साथ में काजू कुकीज़, वैसे तो आटा कुकीज़ भी हैं बड़े, भी ये खुला हुआ है तो एक ही पैकेट ख़त्म करता हूँ, काजू कुकीज़ खाऊंगा साथ में। बहुत तेज़ भूख लग रही है अभी भी, एक नान से पेट ही नहीं भरा। जुगाड़बाजी दिखाऊँ एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है, रिएक्शन कैमरा सेट करूँगा गाड़ी में, मेरा जुगाड़। ऐसे 3 कैमरे हैं बस, एक्शन कैमरा, जिसमें से एक ये थोड़ी मिड क्वालिटी है, एक बिल्कुल बेकार है, उसका थोड़ा पीलापन आता है, ये भी तो फ़ोन में है और मतलब कैमरे में है, बेकार है, ऑफ हो गया अभी तो। इसमें देख रहे हो ना, अगर वैसे जो इसको इंपोर्ट करूँगा ना फ़ोन में, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, पर सारी दिक्कत इसकी ये है, इसकी ना बैटरी है कब यही है, सिर्फ आधा पौन घंटा या 1 घंटा, तो इसका भी जुगाड़ निकाल लिया मैंने अभी 2-2.5 घंटे, इसको केबल पर ऑन करके रखा, केबल पर ऑन रखने पर ये फ़ायदा हो गया इसका, 2-2.5 घंटे में कोई हीट भी नहीं हो रहा, चल भी रहा है, और क्या चाहिए। तो गाड़ी में लगाने के लिए मैं केबल लगा के उन उस पर रख दूँगा, मेमोरी कार्ड डाल दूँगा इसमें 64 GB का, गाड़ी में कैमरा बन जाएगा। बाकी एक एक्शन कैमरा है जो स्पीति लेके गया था, उसकी तो खैर अलग ही बात है, वो तो नेक्स्ट लेवल है, 4K में भी बहुत बड़ा चलता है, बट अभी के लिए गाड़ी के लिए ये एक्शन कैमरा काम आएगा, मेरे जुगाड़ हुई है ना, सही क्लैरिटी आ रही है, और क्या लूँगा यार। तो अभी इसमें एक मेमोरी कार्ड डाल रहा हूँ, ये सही जुगाड़ नहीं है समझे ना, तो मोटा इतना लग रहा हूँ ना मैं। अगर ये भी इससे ज़्यादा ब्राइट बढ़ी, क्योंकि इसमें ना कैमरे पे स्क्रैच आ गए हैं, तो मैं क्या करूँगा इसका, ज़्यादा हुआ तो जो स्पीति कैमरा लेके गया था वो वाला कैमरा डाल दूँगा, एक कैमरा फिर एक अलग से ख़रीद लूँगा मैं, फिर इस बार लूँगा गोप्रो ही है, ये चीज़ तो मैंने देख ली है। खैर मेरा भी पानी में चला गया था, जैसे बारिश में यूज़ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, बट फिर भी थोड़ा डर लग रहा था, और मैं गोप्रो को देखा यार, गोप्रो का ज़्यादा बढ़िया है। फंस गया मेमोरी कार्ड, गलत डाल दिया, हाँ अब ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन, मेमोरी कार्ड आ गया इसको, अब फॉरवर्ड मारता हूँ, वाईफाई भी है इसमें वीडियोस इंपोर्ट करने के लिए। ये भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो गई, फिर स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो गई। और इसके फीचर्स कहाँ से हैं यार, सेटिंग्स कहाँ से आती है,
सेटिंग समझ नहीं आ रही है, भूल गया मैं तो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है बार बार, ये फिर स्टार्ट हो गई। हाँ ये रहा, ये आगे वाले बटन से हो रहा है, ये कैमरा की फ़ोटो, उसका कैम फ़ोटो खींचने के लिए, इसके बाद ये फ़ोटो खींची है, ये वीडियो बनी है। अरे क्लास क्या चाहिए यार, इतनी सही फ़ोटो आ रही है। अरे भाई मज़ा आ गया। अब इसकी सेटिंग्स करते हैं थोड़ा, रेजोल्यूशन 1080 30 FPS ही ठीक है, और मोशन डिटेक्शन ऑन कर देता हूँ, साइक्लिक रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑडियो, यस रिकॉर्ड भी है भाई, डेट यस भाई चाहिए चाहिए, फ़ोटो रेजोल्यूशन 16 मेगापिक्सल ही चाहिए, इमेज क्वालिटी हाई, कैप्चर टाइम बिल्कुल चाहिए, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ पता नहीं क्या है, वाइट बैलेंस, स्क्रीन सेवर, ऑटो पावर ऑन ऑफ 1 मिनट, और लैंग्वेज सेटिंग, डेट सेटिंग, अब डेट सेट करनी पड़ेगी, छोड़ो बाद में करूँगा। उसके बाद क्या है, वाईफाई, वाईफाई पासवर्ड डिलीट, फाइल इज लॉक्ड, बीप साउंड, फोटो वर्स्ट, फॉर्मेट, यस फॉर्मेट हो गया। हाँ अब ये इसमें आ रहा है, ये तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी फिर दोबारा गलती से। अरे यार ये ऑटो ऑन हो गया, इसका भी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको बाद में करता हूँ फिलहाल। यार एक बड़ी गलती हो गई, कल साइकिल चार्ज पे लगाई थी थार, ओ शुक्र है घर वालों ने हटा दी हुई है, मेरी धड़कनें तेज हो गई थी सीरियसली। अरे भाई साहब बच गया आज तो यार, नहीं तो इसकी बैटरी हो जाती ख़राब। ये शुक्र है घर लोगों का काम कर गया, बैटरी तो फुल है, बच गया भाई शुक्र है। काम तू मत भूल, तू मत भूलना, ऐसे एक बार ओवर बोर्ड चार्ज पे लगा के भूल गया था मैं, वो दो तो घंटे या ढाई तीन घंटे में चार्ज हो जाता मैक्सिमम, मैंने 17 घंटे चार्ज कर दिया था उसको, बच गया। और ऐसे लापरवाही कब तक करेंगे, अब निकालने लगा हूँ मैं पैनियर, प्लान कर रहा हूँ दिल्ली से बाहर घूमने जाने का, तो पैनियर निकालूँगा अभी। अभी फ़िलहाल अब चाय पी रहा हूँ, साथ में व्लॉग एडिट नहीं किया, सुबह से व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और फिर 154 अपलोड करूँगा। अभी मैं थोड़ा जयपुर घूम रहा हूँ वनीला पे, स्कूटी पे, घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैं जब स्कूटी पे घूम के ही आया थोड़ा। मज़ा आता है ऐसे यार घूमने में ना, ऐसे निकला करो कभी कभी, यही अभी अगर निक्कर पहनी होती ना अगर मैंने, तो उस पर फिर थार पे घूम रहा होता मैं, अभी पूरा अब पैंट चेंज करता, शर्ट चेंज करता मैं तो छोड़, अभी फिलहाल स्कूटी पे ही घूमते हैं। अभी सामान लगाओ, होवरबोर्ड, बोर्ड टाइम हो गया, होवरबोर्ड चलाए हुए। इसके बाद थोड़ी देर चला के फिर चार्ज भी लगा दूंगा, कितना कम स्पेस है यार, घर पे तो चलाया ही नहीं जाता। कल से जिम लेके जाऊंगा, जिम में चलाऊंगा। ये फीलिंग है लाइफ की, तो ऐसे चलता है ओवरबोर्ड, बड़ा मज़ा आता है यूँ, ऐसे घूमो तो चक्कर भी आते हैं देख रहे हो। मतलब घर में टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चाहिए चाहिए, क्या करे बंदा घर पे बोर होएगा फिर बंदा। अलग ही मज़ा है यार इसका भी यार। अभी बस सेल करना है ओवरबोर्ड, अगर किसी ने लेना हो तो बता देना भाई, dadadimadi@gmail.com पे ईमेल छोड़ देना, फिर कॉन्टेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग,
और ये ओवर रोड भेज दूंगा। फिर ये ओवरबोर्ड बेच के फिर वो जो अक्षय कुमार वाला है ना, फिर बोलूँगा वो कौन से वाला है, उसको क्या कहते हैं यार, वो पकड़ने वाला है, मतलब जिसने देखी होगी बिग बॉयज है, पता नहीं कौन सी मूवी, मेरे को नहीं पता, इतना याद नहीं है, या हॉलीडे मूवी है शायद, मेरे को याद नहीं है, इतना मुझे याद है वो अक्षय कुमार आया था, वो जो पकड़ने वाला हैंडल वाला है ओवरबोर्ड, वो वाला है ओवरबोर्ड लेना है मुझे, उसका मन है लेने का, अगर ले पाए तो फिर वो वाला लूँगा ओवरबोर्ड। वैसे मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, 7 बजे खाने का था, बट मन ही नहीं किया बिल्कुल भी खाने का, फिर मैंने कहा चलो रोज़ नान खाने से तो अच्छा है घर की रोटी, तो मैंने फिर क्या करा, मैंने बोला मम्मी को, उस टाइम पहले तो बहुत डांट खाई कि इस टाइम प्याज की रोटी खाएगा, अरे यार मम्मी इतनी टेस्टी बनाती है प्याज की रोटी, मैं सुबह खाता हूँ मक्खन के साथ, मक्खन पर लगाता हूँ फिर मलाई के साथ खाता हूँ, बट दाल मखनी के साथ ना एक्चुअली नान अच्छा लगता है, दाल मखनी सा लगता है बढ़िया, आलू नान अच्छा, तो आलू नान ही लगता है, बट आलू नान खा के बोर हो गया, मैं कहा चला प्याज का नान खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, कब तक आलू नान खाऊंगा। ब्राउनी खाने का टाइम हो गया, 10:30 हो रहे हैं, इसके बाद चाय पियेंगे फिर दूध पियेंगे, पागल है ये नहीं दूंगा मैं, कर लो और पड़ा अंदर फ्रिज में, ये आ गई मटका कुल्फी, इसके बाद अभी दूध पीना है, चाय नहीं पी रहा आज, इसके बाद सीधा से दूध पीऊँगा मैं, आ गया हल्दी और काली मिर्च वाला दूध, बहुत टाइम बाद पी रहा हूँ मैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, गुड नाइट।